बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वैसे पकवान में आपको खुश आमदीद। ईद की रेसिपियों में मैं आपके लिए, पहले भी मैंने आपके लिए मीठा बनाया है और आज भी मैं आपके लिए एक मीठी डिश लेकर आई हूँ, क्योंकि नमकीन के साथ साथ मीठा होना भी लाजमी होता है और इसके बगैर जो है ना हमारी ईद भी अधूरी होती है। आज मैं आपको जर्दा बनाना बताऊँगी। आज मैं आपको ज़रदा बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जो कि पक्की बासमती हैं। इसमें उनको मैंने 2 घंटा पहले भो दिए थे। इसके साथ ही मैंने 1 किलो तकरीबन इसमें चीनी डलेगी और ऑयल है उसमें ज़रूरत डालेंगे हम, उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डलेगा। और इसमें जो हम मेवा चाट डालेंगे, किशमिश वगैरह, बादाम और ये नारियल है उसे हमने कश कर लिया हुआ है। अब हम जो है ना इनको, ये हमारी इंग्रीडियंट वगैरह है सारी चीज़ें। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, चावलों को उबालना है और चावलों को इतना उबालना है कि इनमें थोड़ी सी कनी रह जाए, यानी बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है इनको। सबसे पहले हम इनको बॉयल करते हैं। चावल हमारे उबल चुके हैं और रेडी हैं बिल्कुल, और ये इतना है कि थोड़ा सख्त चावल है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। मैंने अपने अंदर ऑयल डाल लिया, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दी है इलायचियाँ, थोड़ी सी कड़क हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी चीनी। तकरीबन इससे 1 किलो चावल है ये, तो इसमें 1 किलो ही चीनी बनेगी। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कम अगर आप डालना चाहें तो आधी प्याली आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस वैसे इसमें पूरी चीनी बनती है। इलायची मेरी ड्राई हो गई है, ऑयल भी बिल्कुल गर्म है। इसके बाद में इसमें, क्योंकि मैंने 1 किलो चीनी इसकी रखी हुई थी, वो डाल दूंगी। इसके अंदर मैं 1 कप पानी, 1 कप पानी डालेंगे। इसकी हमने चाशनी बनानी है और चाशनी जब इसकी बन जाएगी, चाशनी तब बनेगी जब इसकी तार बन जाएगी। अब इसकी हमने चाशनी बनानी है। हमारे साथ साथ आपने देखना है कि कैसे हमने इसका अमल को मुकम्मल करना है। चाशनी हमारी तकरीबन मुकम्मल हो रही है, ये देखें आपके सामने बिल्कुल सख्त तार इसकी बन चुकी है। अगर आप हाथ से भी ऐसे चेक करें तो आप ऐसे उंगली के साथ इसको, ये देखें तार हमारी बन चुकी रेडी है। अब मैं इसके अंदर उबले हुए जो मैंने चावल रखे थे, उबले हुए चावल इसमें शामिल करूँगी। चाशनी चावल इसके अंदर जब मैं डालूंगी तो थोड़ा सा ये चाशनी हमारी दोबारा नरम हो जाएगी। पहले थोड़ी तेज़ आंच पे इसको हमने पकाना है, उसके बाद हम इसकी आंच को थोड़ा लो कर देंगे मध्यम, ताकि हमारा चावल जो है ना नीचे न लगे। अब ये थोड़े से दोबारा से भी इसकी चाशनी नरम हो जाएगी।
को ऊपर नीचे करेंगे ताकि शीरा जो है ना तमाम चावलों में एक सा लग जाए और अच्छी तरह से शीरे के अंदर चावल डूब जाए। इसको हमने थोड़ी देर यानी 5 से 10 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको पकाना है ताकि जो ये पानी अभी इसमें थोड़ा सा नरम होगा, ये पानी छोड़ेंगे थोड़े से चावल और ये इसको हमने खुश करना है। जैसे पानी कम होगा उसके बाद फिर हम इसके अंदर मेवे ऐड करेंगे। चावलों का पानी हमारा खुश हो गया, अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने मेवे रखे हुए थे ये डाल दूँगी अच्छी तरह से। अभी थोड़ा सा चावल हमारे अभी नरम है, हमें मेवे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे यानी तवे पे इसको हमने दम लगाना है। इसके बाद मैं इसमें कलर डालूँगी, आपके सामने बिल्कुल दम पे आने वाले हैं चावल, हमें इसके अंदर कलर डालूँगी। रेड कलर हमने डाल दिया, अब इसमें सब्ज़ रंग इसमें हम थोड़ा डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चाहें जो जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अब हमारा जो है ना ज़रदा बिल्कुल दम पे है और अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको इसी तरह से दम कर देंगे ताकि ये रंग अच्छी तरह चावलों में कलर आ जाए और इधर उधर बिखरे भी ना। हमारे चावल अब तैयार हैं, बिल्कुल इसमें दम आ चुका है और कलर भी इसके अंदर आ चुका है। अब इसको हम ऊपर से ऐसे नीचे करेंगे और ये नीचे और ऊपर तक जो है ना तमाम कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे नहीं सफ़ेद में और रेड नीला, ये तमाम कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं जर्दे के। हमारा जर्दा तैयार है, अब हम इसे डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ईद के मौका है, मेहमानों का भी आना जाना है और इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।